और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक विधानसभा में येदुरप्पा ने विश्वास मत पेश किया है। तो ये इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि आज नई सरकार को हासिल करना है इस पर, और जिस तरह से अभी जानकारी मिल पा रही है उन्होंने पेश कर दिया है ये विश्वास मत। नई सरकार को आज ये विश्वास मत हासिल करना है। हालांकि आपको बता दें कि कांग्रेस जेडीएस की गठबंधन सरकार को गिराने के बाद सत्ता में जो ये नई सरकार आई थी उसके लिए भी चुनौतियां कम नहीं थी। कल जिस तरह से स्पीकर ने झटका दिया था और 14 जो विधायक हैं उनको अयोग्य करार दिया था,